एसबीआई के इस खास अकाउंट में मिलेगा एफडी जितना ब्याज। जानिए कैसे खोल सकते हैं ये खाता। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई अनेक तरह का अकाउंट खोलने की सुविधा देता है, जिसमें पैसों की बचत के साथ ही उसे बढ़ाने का विकल्प मिलता है। एसबीआई का सेविंग्स प्लस अकाउंट भी उन्हीं अकाउंट्स में से एक है जो कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट MOD से लिंक होते हैं। इसमें सर प्लस अमाउंट एक तय सीमा से अधिक होने पर खुद ब खुद फिक्स्ड डिपॉजिट FD में ट्रांसफर हो जाता है। आइए जानते हैं SBI सेविंग्स प्लस अकाउंट की खासियत। SBI का सेविंग्स प्लस अकाउंट भी उन्हीं अकाउंट्स में से एक है जो कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट MOD से लिंक होते हैं। इसमें सर प्लस अमाउंट एक तय सीमा से अधिक होने पर खुद ब खुद फिक्स्ड डिपॉजिट FD में ट्रांसफर हो जाता है। कौन खोल सकता है अकाउंट? SBI के सेविंग्स प्लस अकाउंट को कोई भी व्यक्ति खोल सकता है जो कि बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने के योग्य है। इस अकाउंट को सिंगल या फिर ज्वाइंट रूप से संचालित किया जा सकता है। कितना रख सकते हैं मिनिमम बैलेंस? इस अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस MAB रखना अनिवार्य है। मेट्रो में 3,000 रुपए, अर्बन एरिया में 3,000 रुपए, सेमी अर्बन एरिया में 2,000 रुपए और रूरल क्षेत्रों में 1,000 रुपए निर्धारित है। सेविंग प्लस अकाउंट में SBI के बचत बैंक खाते के बराबर ही ब्याज मिलता है। कितनी रकम होगी ट्रांसफर? सेविंग्स प्लस अकाउंट में 25,000 रुपए से ऊपर की राशि फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफर हो जाती है, जो कि न्यूनतम 10,000 रुपए होती है और ये 1,000 रुपए के मल्टीपल में होती है। इसका मतलब यह हुआ कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर के लिए न्यूनतम थ्रेशहोल्ड लिमिट 35,000 रुपए की है। मिलती है ये सुविधा सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को दी जाने वाली हर सेवा जैसे कि ATM कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट जैसी सुविधाएं भी SBI के सेविंग प्लस अकाउंट में उपलब्ध होती हैं। वहीं मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट्स पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। मिलती है ये सुविधा सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को दी जाने वाली हर सेवा जैसे कि ATM कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट जैसी सुविधाएं भी SBI के सेविंग प्लस अकाउंट में उपलब्ध होती हैं। वहीं मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट्स पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध होती है।